मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में ग्राउंड वाटर लेवल की जांच के लिए जियोफिजिकल सर्वे मुनाकिद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद आयनुल हसन ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग क्लस्टर। क्लस्टर मींस नॉट ओनली वन इंस्टीट्यूट, रादर यू नो कंबाइनिंग सेवरल इंस्टीट्यूट्स, सेवरल यूनिवर्सिटीज टुगेदर एंड क्रिएटिंग ए फैसिलिटी फॉर मोर एंड मोर यू नो गुड रिसर्चर्स। एंड दे लिस्टेड यू नो द नंबर ऑफ एरियाज and one was drinking and potable water. We also, you know, somehow we were looking for the opportunity and we applied for, and then we had several, you know, interface with the government. Finally, our university is picked up for leading for all over India for potable and drinking water. Iftitahi program mein तेलंगाना स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पंडित मधु नूरे ने भी शिरकत की। जियोफिजिकल एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हम सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड है कि टू नो द सबसरफेस एक्वीफर ज्योमेट्री, जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं अपने ज़मीन के अंदर में, जो विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेर आर द वेदर जोन, वेर आर द फ्रैक्चर जोन्स। सबसे ईजीएस्ट मेथड है जियोफिजिकल मेथड। इस मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस के इश्तियाक अहमद, प्रोफेसर शकील अहमद के अलावा कई अहम ओहदेदार मौजूद थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन या दिल्ली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल के। अभी रिसेंटली आपने एक फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, उस तक भी अपनी प्रोजेक्ट को, अपनी चीज़ों को पेश किया और उनसे भी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। The first story which we can see and the second story which we could not see from our naked eyes, but we'll see with the geoscientific knowledge. That's why you see the title of this today's program is Generating Geoscientific Knowledge at Manu. Survey ke tarikhe kar ke baare mein mahirin ne tafseel se roshni bhi dali. We are doing the resistivity survey here, which is commonly called as इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग एक केबल को बिछाते हैं विच इज़ अ मल्टी कोर केबल, और उसमें हम जहाँ जहाँ नोड्स एक्सपोज हैं उनको इलेक्ट्रोड से एक कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये स्टील के रॉड होते हैं जिनको करीब हम एक फिट ज़मीन के अंदर लगाते हैं, और उनको उस केबल से कनेक्ट करके इस तरह से के प्रोफाइल को बिछाते हैं कि आखिरी में दोनों सिरे हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो जाएं वेरी कोऑर्डिनेटेडली। अब दिस इंस्ट्रूमेंट व्हाट इट टेक्स केयर ऑफ, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी वी इंजेक्ट द करंट अक्रॉस टू ऑफ दीज रॉड्स। इन टोटल देर आर 48 इलेक्ट्रोड्स टुडे विच वी हैव अलाइंड, सो अक्रॉस एनी टू इलेक्ट्रोड्स वी विल इंजेक्ट द करंट and rest of the two electrodes which are between these two current electrodes we will measure the potential difference. So the principle on which our this electrical resistivity tomography works is Ohm's law, which is V is equal to IR. तो हम लोग जब करंट भेजते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, उसके बाद हमको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है, वो डिपेंड करता है कि ज़मीन के नीचे मीडियम क्या है, मिट्टी है, रेत है, पानी है, पत्थर है, कुछ फ्रैक्चर्स है, कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ का लोकल जियोलॉजी कैसा है। तो जो भी मीडियम नीचे प्रेजेंट होगा उससे जब करंट भेजकर हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कैलकुलेट करेंगे, वापस वो सारा डाटा और ब्यौरा हमको इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में स्टोर हो जाता है, वो हम पैरेलली रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। उसके बाद हम इस डाटा को डाउनलोड करते हैं लैपटॉप में और हम उस रेजिस्टेंस को अपेरेंट रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं।